मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो आज फिर से लाइव आया हूँ। एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे आजकल कि मलिक भाई इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कैसे आंसर देते हैं, क्या सवाल करते हैं। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊं, बट आजकल मेरे पास टाइम नहीं मिला तो सोचा लाइव ही आके बताता हूँ। क्योंकि लाइव जब बात करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा समझते हैं, इंस्टेड कि मैं वीडियो पोस्ट करूँ, फिर वो वीडियो पोस्ट में उतना वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो उतना शायद समझ नहीं पाते हैं। तो मैं लाइव आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जब भी कोई आजकल इंटरव्यू हुआ है, मोस्टली लोगों को मैंने इंटरव्यू पास करवाया है, और जिन्होंने भी मेरे ट्रिक को यूज़ किया है वो सारे लोग ने इंटरव्यू क्रैक किया है। अब सबसे पहले होता है कि माल्टा एम्बेसी इंटरव्यू लेता किसका है। देखिए, ये एक रैंडम चीज़ें हैं। ये तो रैंडम चीज़ों में क्या होता है कि आप मतलब 10 फाइल जिसके पास है, जिस फाइल पे उनको डाउट होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि इस फाइल के इस बंदे को बुलाना चाहिए, तो उसको ही बुलाते हैं। ऐसे नहीं कि 100 फाइल में से 100 लोगों को उन्होंने बुला लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि आप समझते हैं कि इंटरव्यू देते कैसे, इंटरव्यू सिलेक्शन कैसे होता है। मोस्टली लोग का जो इंटरव्यू होता है इंडिया में जो होता है टेलीफोनिक होता है, और दुबई में जो होता है वो हमेशा VFS में बुलाया जाता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कभी साउंड का प्रॉब्लम ना हो जाए बीच में, प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सवाल का जवाब मैं सही से दे सकूँ। तो बात यह है कि जब इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले आप किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं अपने आप को। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? थोड़ा पुलिस को मेरे को जरा जवाब दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस, ओके जिग्नेश, थैंक यू जिग्नेश। सो बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में सबसे पहले जो आपका सवाल होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ, आपका सबसे पहले नाम पूछेगा। ठीक है, हमेशा आपको नाम पूछा जाएगा, फिर सवाल करेंगे। देखो, जो मेरे पास लिस्ट है, जो लोगों ने दिया है, जो मुझे बताया, जो लोगों को कि आपका नाम क्या है। ठीक है, आप करते क्या हो? देखो, क्या करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लीनर में जा रहा हूँ तो मुझे क्लीनिंग का नॉलेज बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि अच्छा क्लीनर का काम करते हो तो क्लीनर में क्या करते हो। फ्लोर साफ़ करता हूँ, ऑफिस के ग्लास साफ़ करता हूँ, टेबल साफ़ करता हूँ, टेप साफ करता हूँ, डस्ट को क्लियर करता हूँ, और देखता हूँ कि ऑफिस के किस कॉर्नर में क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्लीनिंग करता हूँ। ये क्लीनिंग में ऑफिस बॉय एज ए क्लीनर, क्लीनर कई टाइप्स के होते हैं। बिल्डिंग क्लीनर्स होते हैं, ऑफिस क्लीनर्स होते हैं, इनसाइड क्लीनर्स होते हैं, आउटसाइड कई तरीके से क्लीनर्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए कि अपने काम को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि आप क्या काम करते हो। फिर पूछा जाएगा किस कंपनी में माल्टा में जा रहे हो। माल्टा का कंपनी का नाम आपको याद होना चाहिए। माल्टा की आपकी कंपनी कहाँ लोकेटेड है? सेंट जूलियस में है, मेलिया में है, उसके बाद आपका वेलेटा में है, या कोई भी थर्ड पार्ट में है, कहाँ पे है? आपका मालिक का नाम क्या है? आपका HR का नाम क्या है? आपके कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? आपके कंपनी का ईमेल ID क्या है? ये सब माल्टा के बारे में पूछ रहा हूँ। फिर करंट कंपनी का भी पूछ सकते हो कि करंट कंपनी में कितने साल से काम कर रहे हो, कब काम कर रहे हो, इसके पहले क्या काम करते थे, इसके पहले कुछ अलग था क्या। ठीक है, ये हो गया। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल पूछा जाएगा, जहाँ पे जा रहे हो आपको काम मालूम है? हाँ मालूम है। किसने इंटरव्यू लिया था? उसका नाम याद होना चाहिए। क्या होता है, मालिक कभी कोई इंटरव्यू लेता, HR लेता, उसका नाम याद होना चाहिए, इसलिए लिख के रखना। ओके, आपने जॉब कैसे खोजा, या बताओ कि भाई फेसबुक से जॉब से माल्टा से खोजा। कभी भी अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो ना, तो मैं एडवाइस करूँगा नाम मत लेना, हमेशा बोलना जॉब से माल्टा से खोजा, या मेरे कोई कलीग्स थे, या मेरे कोई फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे एडवाइस किया, फिर मैंने इनको ईमेल किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। आपका इंटरव्यू कैसे हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। झूठ यहाँ पे मत बोलना, क्योंकि जूम अगर बोलोगे या बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट टीम में हुआ तो आपके ID पूछेंगे वो, फिर आपके ID से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए ID झूठ मत बोलना। बोलना कि टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, लाइव इंटरव्यू हुआ, व्हाट्सएप इंटरव्यू हुआ, बोटिम इंटरव्यू हुआ, कोई भी सॉफ्टवेयर जिस तरह से इंटरव्यू, आप उसको लाइव बता दो ये इंटरव्यू हुआ। ठीक है, आपकी सैलरी कितनी आपको पता है? जो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में 1100 लिखा है प्लस ओवर टाइम लिखा है, वो डिटेल के साथ उनको बताओ। जी हाँ मैम, मुझे उन्होंने बताया कि योर सैलरी विल बी 1100 यूरो पर मंथ, और प्लस यू विल गेट ओवर टाइम लाइक दिस लाइक, पूरा एक्सप्लेन करो जो भी है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट को याद करके देखो। ओके, दूसरा कोई रिलेटिव तुम्हारा माल्टा में, ये भी पूछते हो लोग। अगर कोई फ्रेंड्स है, अगर कोई क्लोज रिलेटिव है ना, ब्रदर सिस्टर, ये सब बताओ। अगर कोई फ्रेंड है ना, ये सब नाम मत बोलो, नो रिलेटिव्स। ठीक है, ओके।
फिर पूछा जाएगा, ये सवाल में सब अटक जाते हैं कि माल्टा कहाँ पे है, माल्टा के बारे में तुमको कैसे मालूम पड़ा कि माल्टा भी कोई कंट्री है, तो बोलो कि माल्टा के बारे में हम लोग को नॉर्मली यूट्यूब के थ्रू ही मालूम पड़ा और फेसबुक के थ्रू मालूम पड़ा। तो पूछा जाएगा माल्टा कहाँ पे, यहाँ पे ये सवाल में सब लोग मार खा जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ माल्टा में क्या बोलना है। माल्टा में बोलना है कि माल्टा इन द सेंट्रल, माल्टा इज लोकेटेड इन द सेंट्रल मेडिटेरियन बिटवीन सिलसिलिया, स्पेलिंग बता देता हूँ, SILCILY सिलसिला एंड द नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट एंड नेक्स्ट टू इटली। ये बोलना है लास्ट में, पहले क्या बोलना है कि सेंट्रल मेडिटेरियन बिटवीन सिसिलिया एंड द नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट। ये याद रखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्टा लोकेटेड कहाँ पे, लोग बोलते हैं सर इटली के पास है, नहीं। अच्छा, ये एक आइलैंड भी है, ये भी याद रखिएगा। आपको मैं बता दूं, कभी अगर पूछा कि आपको पता है माल्टा में कितने टाइप के आइलैंड है, कितना आइलैंड है, माल्टा में 3 आइलैंड है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है। गोजो एक माल्टा खुद भी आइलैंड है, और उसके बाद एक और नाम बताता हूँ जिसपे मैं गया था, लुगानो। माल्टा 3 पार्ट में डिवाइड है, एक माल्टा खुद है, एक गोजो और एक लुगानो, ब्लू लुगानो जो नाम से फेमस है, ठीक है ना। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, पूरा नाम बताता हूँ उसका मैं, ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो एंट्री देने में, ठीक है। उसका नाम बोलते हैं कोमिनो, सॉरी, एक माल्टा, एक कोमिनोस और एक, मैं दिखा दूँ आपको, लाइव दिखा देता हूँ समझा के, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये माल्टा जो है ना, माल्टा ये खुद भी एक माल्टा है, एक आपका ये कोमिनोस है और एक गोजो है, ये 3 पार्ट में माल्टा डिवाइड है। माल्टा अगर देखो जाओगे ना ध्यान से, तो ये जो बोल रहे ना, ये एक्चुअली सिलसिलिया जो भी एरिया ना, ये सिलसिला एरिया में आता है ये कुछ, ठीक है। और ये अफ्रीकन कोस्ट, मेडिटेरेनियन अफ्रीकन कोस्ट, ये देखो बीच में आइलैंड है, ये आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है माल्टा का, ठीक है। फिर माल्टा का जॉब कहाँ से मिलता है, ये सबको मालूम है, आप लोगों को सबको मालूम है कि माल्टा का जॉब कहाँ से मिलता है। माल्टा का जॉब फेसबुक से मिलता है, माल्टा पार्क में आप कंपनी का नाम सर्च करके वेबसाइट से जाके, या गूगल से मिलता है, या जो भी इंडीड से मिलता है, आप बताओ कहाँ से जॉब मिला, ओके। उसके बाद आपको क्या बताना है, अच्छा माल्टा क्यों जा रहे हो, इसके 5 रीजन बताऊंगा, ध्यान से सुनना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा 5 रीजन। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्यों, एक स्मॉल आइलैंड है इस, देखो क्या है अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला नंबर 1 अपॉर्चुनिटी में क्या, अगर पूछता है 5 आंसर देना, बोला मैम देयर इज 5 रीजन दैट्स यू नीड टू गो माल्टा, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ओके। अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि स्मॉल स्टेट होने की वजह से वहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, अगर रूल के हिसाब से देखोगे ना तो माल्टा में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, विजिट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, यूके यूएस के बाद सबसे ज़्यादा कोई मतलब यूरोपियन कंट्री विजिट करता है तो इस टाइम माल्टा में कर रहे हैं। दूसरा, एकमात्र ऐसा रीजन जहाँ सबसे ज़्यादा 90% लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो हम लोग जिस कंट्री से आते हैं मतलब एशिया कंट्री से आते हैं, वहाँ पे इंग्लिश उस टाइप, वहाँ पे हम लोग को फ्रेंच नहीं मालूम है, इटालियन नहीं मालूम है, हमको जर्मन नहीं मालूम है, तो हमारे को इंग्लिश स्पीकिंग एक कंट्री है जो कि यहाँ पे 90% लोग इंग्लिश बोलते हैं। दूसरा, वेदर, यहाँ का जो वेदर है ना बहुत अच्छा वेदर होता है, आपको ये बोलना है, 3 पॉइंट, पहचा अपॉर्चुनिटी हो गया, दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, तीसरा वेदर पे आया। वेदर पे क्यों, वेदर पे अगर पूछेगा क्यों, तो बोलेगा समर में उसकी जो फीलिंग होती है सेम हमारी कंट्री जैसी होती है, 12 घंटे का मतलब सूरज उगता है, 12 घंटा फिर अंधेरा होता है, उसके बाद वेदर बहुत काम होता है, बहुत ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है ना, भी वहाँ पे आपको मालूम वहाँ पे स्नोफॉल ये सब भी चीज़ें माल्टा में नहीं होती है, तो आदमी उस टेम्परेचर में ढल जाता है। दूसरा, माल्टा के जो पीपल होते हैं बहुत वेलकमिंग पीपल है, माल्टीज जो होते हैं ना भले वेलकमिंग होते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ इटालियन जर्मन लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन आपको आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं कि वाकई में यूरोप के अदर कंट्री लोग ना इतने वेलकमिंग नहीं होते, आप उनसे इतना घुल मिल नहीं सकते हो, लेकिन जब मैं माल्टीज से खुद मिला ना तो लोग बड़े कमिंग होते हैं, ठीक है। दूसरा, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के बारे में ना अभी 5th नंबर वर्ल्ड पे चल रहा है। तो माल्टास कहां पे, मैंने आपको बता दिया, माल्टास क्यों जाना चाहते हो, 5 रीजन, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, इंग्लिश स्पीकिंग, वेदर, माल्टीज पीपल एंड हेल्थ केयर, ये 5 रीजन है कि हमको माल्टा जाना है, ये 5 आपको बताना है। ये अगर सही से आपने इसको बता दिया ना, दूसरा क्या होता है, सबकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्या है, जितना आपको नॉलेज उतना बोलो, लेकिन ओवर भी नहीं बोलो, कम भी मत बोलो, और आइस कांटेक्ट बहुत रखो, आइस कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइस कांटेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइस कांटेक्ट रखो और जाओ ट्रेवल करो और इंटरव्यू दो। मैं गारंटी करता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताया, ये सब डेटा याद रखना जरूरी, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैनेजर कौन है, एचआर मैनेजर कौन है, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, किस कंपनी में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, माल्टा कहाँ पे है, ये जानना जरूरी, सैलरी तुम्हारी कितनी, इसके पहले कितने कमाते थे, सैलरी तुम्हारी हमेशा उतनी होनी चाहिए कि आप
हाफ ऑफ दिस, मतलब अगर समझो 20,000 कमा रहे तो आपको 40,000 80,000 मिल रहा है, तो वो लोग समझेंगे हाँ भाई चलो बंदे को ना 50,000 एक्स्ट्रा मिला तो इसलिए जा रहे हैं। सैलरी इतनी नहीं होनी चाहिए आपकी कि आपका माल्टा की सैलरी के बराबर, तो भी रिजेक्शन हो जाता है। आपको कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा भी मांग सकते हो लोग, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट में कुछ कोर्स किया हुआ है या फिर आपने अपने अकाउंटिंग में कोई कोर्स किया हुआ है या कोई भी ऐसा जैसे फूडिंग में कोई कोर्स किया, तो आपके सर्टिफिकेट्स मांग सकते हैं। इसलिए सर्टिफिकेट्स हमेशा ओरिजिनल देना। कभी कभी वो एक्सपेंस सर्टिफिकेट भी ईमेल पे मांगते हैं, तो हमेशा जब भी देना एक्सपेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल देना, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत ईमेल करना उन लोगों को, उसके बाद भी रिजेक्शन। अगर किसी को ये बोला जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट भेजो, मतलब वो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं कि वीज़ा देंगे, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट गलत रहे कुछ भी रहे तो फिर लफड़ा हो जाता है, फिर मसला हो जाता है। तो बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, कि जो वो मैंने इंटरव्यू के बारे में आपको बताया ये बहुत ही अच्छी बताया, और मैंने सबको ये बाकी था, आप लोगों को ऐसा लगता होगा ना, तो मैंने एक्चुअली मैं सबको ना ये चार्ट बना के ना डाल भी दूंगा। देखो ये एक चार्ट है, मैं आपको बना के डाल दूंगा। ये चार्ट में ना सारे सवाल मैंने लिख के रखे, क्या क्या लोग पूछते हैं, ठीक है ना। इन सवालों से लोग ने पास भी हुए हैं, इन सवालों से लोग पास भी हुए हैं। तो बताइएगा जरूर आज का वीडियो कैसा लगेगा, और इसी तरह से हेल्प कीजिए, और जाते समय प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिए क्या जानना चाहते हैं, और मैं आपको ज़रूर आपको बताऊँगा। हाँ, वीडियो अपलोड कर देना, वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, सबको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सर मेरी अभी तक की कोई इंटरव्यू नहीं आई, खुश करके माल्टा के, सर मेरा वर्क परमिट की डेट की खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव यार। आप लोग कितना लोग सोचते हो कि मेरा वर्क परमिट खत्म हो जाएगा, मेरा ये नहीं होगा, कुछ मत सोचो। देखना जिंदगी में एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हारे हाथ से तुम्हारा कोई नसीब छीन नहीं सकता। तुम्हारे नसीब में जो होगा ना, वो तुमसे कोई नहीं छू सकता, कोई भी नहीं। खुदा ने अगर लिख दिया ना कि तुमको यूरोप जाना है, तो कोई नहीं छीन सकता। अगर उसने नहीं लिखा होगा ना, तुम कई जद्दोजहद कर लो, कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपया, उनको भी अमेरिका वीज़ा नहीं देता है, उनको भी यूके वीज़ा रिजेक्ट कर देता है, मैंने खुद देखा है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, किसी से लिफ्टी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, रब ने अगर तुम्हारी किस्मत में कुछ लिखा होगा ना, तो तुम सब माल्टा जाओगे। अगर नहीं लिखा होगा ना, तो कोई माल्टा नहीं पहुँच पाएगा। याद रखना, रब जब भी कुछ करता है वो सही करता है। बात समझने वाली ये भी है कि आजकल अपॉइंटमेंट लेट हो रहा है, आजकल चीज़ें लेट हो रही, वीज़ा लेट हो रही, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। गुड, कुशन बाटिल ब्लॉक्स, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, गुड वर्क, थैंक यू जिग्नेश, यही तो मैं कहता हूँ। निखिल टिगड़े, मैं आज आपको ना ब्लॉक करूँगा दोस्त, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, आज मैं आपको ब्लॉक करूँगा, मैं आपको आज ब्लॉक करूँगा, ठीक है, मैं आज आपको ब्लॉक करूँगा, ठीक है, चलो बाय।